दोस्तों आप हमारी वीडियो देख के पैसे कमा सकते हो। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक छोटा सा कोड दिखाई देगा, उस कोड को लिख के नीचे दी गई लिंक में जाना और उस लिंक पे कोड को फिल कर देना अपनी पूरी डिटेल के साथ। अगर आप जीतते हो तो आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके पेटीएम अकाउंट या फोनपे अकाउंट में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं बल्क एसएमएस के बारे में। बल्क एसएमएस क्या होता है आज हम उसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है या आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप बल्क एसएमएस सेंड करते हो। अब देखो, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो पूरी नॉलेज मिल जाएगी तो आपको कभी आगे क्वेश्चन नहीं होगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन बनवाते हो, जब आप मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाते हो तो उसमें यार अगर आपका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का प्रोसेस है तो जब कोई रजिस्ट्रेशन करेगा आपकी वेबसाइट में, जब कोई भी यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसमें एक ओटीपी जाता है। और वो ओटीपी कहाँ से आता है? बल्क एसएमएस सर्विसेज से। बल्क एसएमएस सर्विसेज कहाँ से मिलती हैं? आप नेट पे जाके कई बल्क एसएमएस सर्विसेज देख सकते हैं, जैसे फास्ट एसएमएस हो गया, योर बल्क एसएमएस हो गया। तो इस तरह की बहुत सारे इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐसे बहुत सारे एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनसे आप इस सर्विस को ले सकते हो और आप अपने मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इस सर्विस का यूज़ कर सकते हो। क्यों ज़रूरत पड़ती है बल्क एसएमएस? भाई देखो, आज के ज़माने में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के होते हुए भी अगर आप मोबाइल में मैसेज सेंड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रीज़न हो गया। तो आप तो जानते हैं यार, व्हाट्सअप में जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो उसमें नेट और डाटा की ज़रूरत होती है। जब डाटा नहीं होगा तो मोबाइल में मैसेज कैसे आएगा? लेकिन यहाँ पे मैसेज की जब बात करते हैं, बिना डाटा ऑन किए आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, चाहे आपका कोई भी मोबाइल हो, टेक्स्ट मैसेज आता है सीधा। तो उसमें सिर्फ मोबाइल चालू रहना चाहिए, एसएमएस सिम की सर्विसेज चालू होनी चाहिए, एसएमएस आते जाएंगे। तो वही होता है बल्क एसएमएस। हमको बल्क में सारे यूज़र, जितने भी हम यूज़र को चाहते हैं, सबको मैसेज भेजना चाहते हैं बल्क में, तो बल्क एसएमएस में हम पूरी अपनी लिस्ट को बनाते हैं और सारे यूज़र को सिलेक्ट करते हैं और हम उस मैसेज को डिफ़ॉल्ट सेंड कर देते हैं। तो यही प्रोसेस होती है। अब आपका जब कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो भाई, बहुत से लोग कहते हैं ना भाई, जब आप खुद का मोबाइल एप्लीकेशन बनवा लेते हैं तो उनको पता नहीं होता बल्क एसएमएस रिचार्ज भी करना पड़ता है। तो करीब आपका बल्क एसएमएस रिचार्ज करवाओगे जब, तो उसमें भी उसके प्लान्स होते हैं। तो आप जब उसको रिचार्ज करवा लोगे तो उस रिचार्ज करवाने के बाद आपके मैसेज जाएंगे। अब आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में, आपको पता नहीं है लेकिन वो चीज़ सर्विस ऐड हो गई है, आपके डेवलपर ने ऐड करके दे दिया है, तो उसका चार्ज तो लगेगा आपको। जब आपके मैसेज खत्म हो जाएंगे तो फिर से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो बल्क एसएमएस सर्विस आपको देना पड़ता है, आपको उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, तब जाके वो पूरी तरह से वर्किंग करती है। तो यही कहलाता है बल्क एसएमएस। तो यही सिस्टम है पूरा बल्क एसएमएस का। आपका ई कॉमर्स का ऐप है या आपका ई कॉमर्स का मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, आप अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन से आप जब कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आपको कितने सारे मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, योर ऑर्डर आईडी दिस, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, योर ऑर्डर डिस्पैच। तो ये सारे मैसेज आते हैं ना, तो वही टेक्स्ट मैसेज कहलाते हैं, वो बल्क एसएमएस के थ्रू आते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई मैसेज आता है मोबाइल पे तो ऊपर एक सेंडर आईडी रहती है जिसको आप फ्री में क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला था कि भाई, जिनको भी बल्क एसएमएस का यूज़ करना है सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, सबको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के जब उस सर्विस को आप रजिस्टर कर लोगे तब जाके आपको एक सेंडर आईडी मिलेगी। मान के चलते हैं आपको अमेजोन से कोई मैसेज आया तो ऊपर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से मैसेज रहता है, AYAMZON, तो लगभग समझ में आ जाता है ना कि हाँ, ये अमेजोन से ये मैसेज आया है, एक सेंडर आईडी होती है। अब जब आप कहीं से भी सर्विस खरीदोगे बल्क एसएमएस की तो आपको उसमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ट्राई के लिए, जो आपको बल्क एसएमएस वाले प्रोवाइड करवा देंगे। उस फॉर्म को फिलअप कर दोगे आप, आधार कार्ड वगैरह डाल दोगे तो आपको सेंडर आईडी मिल जाएगी और उस सेंडर आईडी के थ्रू आप मोबाइल एसएमएस भेज सकते हो, मोबाइल एसएमएस सर्विस यूज कर सकते हो। यही चीज़ है यार बल्क एसएमएस का यूज़ करने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली बल्क एसएमएस भेज सकते हो सीधी किसी भी वेबसाइट, सीधे गूगल पे सर्च करो बल्क एसएमएस और बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, उस पे अकाउंट बनाओ, थोड़ी बहुत उसको रिचार्ज कर लो और मैसेज भेजना शुरू कर दो। तो ये चीज़ें कहलाती है बल्क एसएमएस में, बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप मोबाइल टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हो तो आप उसको भेज सकते हो, उसमें एपीआई प्रोवाइड करवाई जाती है, उन एपीआई को आप कनेक्ट कर दो वेबसाइट एप्लीकेशन में तो वहाँ से भी आपका मैसेजिंग चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ सारी होती हैं बल्क एसएमएस का यूज़ करने के लिए। और यहाँ ई कॉमर्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी भी टाइप का प्लेटफॉर्म हो उसमें ओटीपी जाता है, ओटीपी और मोबाइल मैसेजेस, अगर आपने किसी की चीज़ की सर्विस यूज़ की तो ये चीज़ तो यूज़ होनी ही होनी है। तो समझ गए आप क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।